मांडवी बाबा के दर्शन के लिए आया हुआ है, दरबार के ठीक ऊपर देखिए आए है ना। फिर के बोला मेरे साथ, अरे शाम तुमसे मिलने मेरी झोपड़ी के
जिसको विश्वास से शाम आ रहे हैं ये आए हुए हैं इस ज्योति रूप में आज हासी की इस पावन धरा पर विराजित है Thank you.
छुट्टियां में आएंगे तो क्या होगा। अरे सोचो, जो मेहमान हमें जान से प्यारा होता है वो जब घर आता है तो कितनी खुशी होती है ना। आज सुबह भगवान हमारी झोपड़ी में आ रहे हैं, बोल सच्चे दरबार की कितनी खुशी होनी चाहिए। मिलके बोलो मेरे साथ, क्या होगा? ओ मेरा जन्म सफल हो जाएगा, ऐसा नूर बरसेगा और आप भक्तों के जयकारों की गूंज होती रही तो बाबा की कृपा का बादल आज जरूर बरसेगा। तो बोलो सच्चे दरबार की, बोलो श्याम प्यारे की। भैरवी आज खाटू धाम से बाबा अपने प्रेमियों की कृपा बरसाने आए हैं। आओ मिलके इनके चरणों में एक विनती और करें, अरदास लगाए, मिलके बोलो मेरे साथ क्या। एक भरोसा थारो है, हर बार लाज रखता है। 52 साल हो गए प्रधान जी, 52वां संकीर्तन है ना आज, क्या बात। तालियां बजा दो एक बार भाई। आजकल दोस्ती 2 महीने भी नहीं टिकती और इन्होंने पूरे मंडल को जोड़ के रखा हुआ है प्रधान जी ने। ये शक्ति उसी की है, लेकिन वहां भी तो यही काम करते हैं ना कि जब चौधर नहीं मिलती तो 4 जने अलग होके नया मंडल बना लेते हैं, है ना। और ये शाम मंडल एकजुट होकर के आज बाबा के दरबार में देखो कैसा रंग जमा रखा। बोल सच्चे दरबार की, बोल हारे के सहारे की। आओ मिलके हाथ उठाना पूरे, मिलके मिलके बाबा को बोलेंगे रखो के लाज मेरी, रखो के लाज। उठाओ पूरे हाथ,
हमारे नगर परिषद के अक्सर साहब यहाँ हमारे बीच में आए हैं, लेकिन इनका तोरण द्वार में जितना सहयोग मिला है और किसी को नहीं मिल सकता। रातों दिन लग कर के और ये तोरण द्वार का निर्माण कर रहे हैं, इनके लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। एक्शन साहब ने वास्तव में जो असंभव कार्य था उसको संभव करके दिखाया, इनके लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। साहब ने वास्तव में दिन और रात मेहनत की, हालांकि हमारे समय पर तोरण द्वार का निर्माण पूरा नहीं हो पाया, लेकिन इनकी तरफ से कोई कमी नहीं हुई, इन्होंने पूरी मेहनत की है और वास्तव में तोरण द्वार ऐसा बनेगा जो आप कहेंगे कि आप बिल्कुल खाटू जी में खड़े हैं, बिल्कुल खाटू जी में खड़े। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो उनके लिए तालियां बजा देना जिनको ये आइडिया आया कि झांसी में तोरण द्वार होना चाहिए। दूसरा, तालियां उनके लिए बजा देना जिन्होंने भरपूर सहयोग दिया है इस काम में, और हमारे एक्शन साहब के लिए तालियां। मैं भी जय हूँ सर जी, मैं उपली कर रहा हूँ। बोलो सच्चे दरबार की, बोलो खाटू नरेश की। बहुत जल्द जब वो तोरण द्वार इसका जब निर्माण होगा, जब कंप्लीट हो जाएगा, तो जैसे प्रधान जी बता रहे हैं कि देखने में बिल्कुल वो खाटू धाम जैसा लगेगा, है ना। कोई नीचे से सेल्फी ले लेगा ना तो पता नहीं पाएगा कि खाटू में खड़े हैं हाँसी में खड़े, है ना। जब दरबार के दर्शन होंगे ना, पता लगेगा 50 लाख नोटों से बाबा का श्रृंगार हो रखा है, तब पता लगेगा हाँ ये तो हंसी का दरबार है भाई। और शाम प्यारे की अपने लिए हाथ उठाना जोरदार ताली दे हो। आप लोग क्यों बैठे, जल्दी में खड़े हो यहाँ से, जल्दी खड़े हो यहाँ से।
कोई बात नहीं, परेशानी हो देगा। मिलके बोलो मेरे साथ, हम गरीबों का तू है सहारा, हम गरीबों का तू है सहारा। लगता है सारे अमीर बैठे हैं बाबा के दरबार में। जब भी जाओ सुधामा बनकर के जाना, ये कुटिया से महल जरूर बनाना। भाव जब कर्मा भाई वाला होता है खींचता खाने जरूर आता है। भाव जब सुदामा वाला हो तो एक मुट्ठी चावल के बदले में पता नहीं क्या दे डालेंगे। और भाव जब धन्ना जाट वाला हो तो ये सूप के टिक्कर भी खाएगा। भाव मीरा भाई वाला हो तो ये जहर के प्याले को अमृत जरूर बनाएगा। और भाव अगर द्रौपदी वाला हो तो ये नंगे पैर दौड़ करके अपनी लाज बचाने भी आएगा। कौन कौन अमीर बैठे हैं बताओ, नहीं कौन कौन गरीब बैठे हैं बताओ, मिलके बोलना, हम गरीबों का तू है सहारा, हम गरीबों का तू है सहारा, वरना साथी है कौन हमारा, वरना साथी है कौन हमारा, बदले सारा जहां ये जमीन खाटू धाम की माटी मारे पास आ गई।
जानते हैं ये मिट्टी रास आई हुई तभी हम यहाँ बैठे हुए, जिनको मिट्टी रास नहीं है वो सो रहे हैं, जो खाटू गया है वो उनको मालूम है इस मिट्टी में क्या है। मेरे तो कुल देवता है बाबा श्याम, जब भी दिल करता है बुला लेता है ये। और बहुत से तो ऐसे हैं प्रधान जी, देखो छोटा मुंह बड़ी बात, बहुत से ऐसे हैं जो मेरी इतना बढ़िया बढ़िया कुर्ते बनवा के और बस चल तो गाड़ी मंदिर का मैं बांट दें, खट्टू में मंदिर के अंदर गाड़ी बांट दें, दर्शनों की व्यवस्था वो हमारे जैसे प्रेमियों की वजह से तो बिगड़ती है, मेरे जैसे हो गए और हो गए है ना। और बहुत से तो ऐसे हैं यूं लगता है कि जैसे दर्शन करने नहीं दर्शन देने जा रहे। चाचा जी सच्चाई है ये, आज की स्वीकार करनी चाहिए, बात कड़वी है लेकिन सच्ची, और मैं तो मुंह पे बोलने वाला हूं इसलिए बहुत कम कीर्तनों में नजर आता हूं। भली श्याम प्यारे की परंपरा चल पड़ी, उसने एक निशान चढ़ाया मैं 11 चढ़ाऊंगा, उसने 11 चढ़ाए मैं 21 चढ़ाऊंगा, उसने 21 चढ़ा दी मैं 31 ले जाऊंगा, 51 ले जाऊंगा। क्यों भाई, पहले बाबा नहीं मानते थे क्या, पहले रीझते नहीं थे, लेकिन होड़ सी मच गई बस निशान निशान। मैं स्वच्छता सेवा दल से जुड़ा हुआ हूं, पिछले साल फागुन मेले पे गंदगी के ढेर में से टॉयलेट के अंदर से बाबा श्याम के निशान उठाए, जब आसान नहीं तो क्यों उठाओ भाई, और उठा लिया तो कम से कम उसके अंजाम तक तो पहुंच जाओ। श्याम कुंड में ऐसे जाएंगे, श्याम कुंड बंद होने का कारण ही हम प्रेमी हैं, वरना वो भी खुला होता, एक डुबकी लगाते और बाहर आते और बाबा के दर्शन करते, बड़ा आनंद आता है ना। लेकिन नहीं, दो दो तीन तीन घंटे ऐसे तैरने के लिए जो ओलंपिक यही से जीत के जाएंगे। बोलो श्याम प्यारे की, ऐसा नहीं करो, निशान लेके जाओ, नहीं भी लेके जाओ तो कोई बात नहीं, बाबा वैसे फरियाद सुनता है, वैसे बड़ा दयालु देव है ये तो, शीश का दानी है हारे का सहारा है बाबा श्याम की मेरी पहचान मेरा खाटू वाला श्याम। अरे इसने अपनी अपने नाम से पहचान दे दी, और हमें क्या चाहिए, इससे बढ़कर और क्या चाहिए था? है ना, और मिलके बोलना खाटू धाम की माटी हारे दास ना गई, खाटू धाम की माटी हारे दास आ गई, ओ पापा तेरे धाम की माटी हारे दास आ गई, पापा तेरे धाम की माटी हारे दास आ गई। ये मैंने हंसी के प्रेमियों से सीखा है कि काम करो और पर्दे के पीछे होके करो, क्योंकि पर्दे के आगे होके तो बहुत करते हैं, गलत नहीं कर रहा। असली कलाकार वही है, वो नहीं है जो आपको स्क्रीन पे दिखता है, असली कलाकार वो है जो कैमरे के पीछे रहता है, जो दिखाई नहीं देता, जो उससे वो करवा रहा है। और हमारा जो असली कलाकार हमारे वो ये बीच में बैठा हुआ ये बाबा श्याम ये करवा रहा है और हम कर रहे हैं। बोलो श्याम प्यारे की, बस इतनी बात कहता हूं कि इंसान हो या पतंग, इंसान हो या पतंग, ज्यादा हवा में उड़े तो समझ लेना कि कटने वाला है, कटने वाला ही ये सच्चाई है। और मिलके जिस चीज को मिट्टी रास आई है मेरे साथ ताली बजाकर बोलना, अरे खाटू धाम की माटी अगर लाइट वाला सुन रहा हो तो कृपया एक बार दरबार के आगे जल्दी आए भाई, थोड़ा सा यहाँ पे आपकी जरूरत है, एक बार आइएगा, उठाना पूरे हाथ में तेरा वास प्रभु, में तेरा
की ओर सुंदर ये हाथ, ये बाबा के दिए हुए हाथ। बाबा जो पागल है वो ताली बजा रहे हैं।
व्यक्ति जब दरबार में आता है कि जीते हुए तो कोई है नहीं, सभी हार कर बैठे हैं, पर एक हारा हुआ भक्त बाबा से कहता है, बाबा
बाप हैं, हमारा हक है उनसे बोलने का। इसीलिए सारे मिलकर बोले बड़े प्रेम से अपने भाव से कि बाबा Thank you.
बड़ों में तो खैर माँ होते हैं, लेकिन उस छोटी सी बच्ची को देखो, और फिर बाबा को देख रही है आंखों से आंसू बह रहे, वो तो इतनी छोटी है, वो ये सोचता है कि जीवन में दुख होते हैं तभी आंखों से आंसू आते हैं, ऐसा नहीं होता। जब भगवान से प्रेम होता है तब भी आंखों से आंसू आते हैं। जो जो प्रेम करते हैं और जो जो पुकार लगाना चाहते हैं, पुकार द्रौपदी वाली लगानी है हमें, कि जब उसका चीरहरण वाली सभा और आता आंखों में आंसू थे और किसी ने उसकी अर्जी नहीं सुनी, और जब हार कर द्रौपदी ने अपने हाथों को जोड़ लिया, आंखों को बंद कर लिया और बाबा को पुकार लगाई, तो कृष्ण दौड़े दौड़े आए थे। आज आप सभी की बारी, अपने अपने भाव से बाबा को पुकार लगे और कहें, मेरा मेरा, ना पूजा करी थी।
आंसू दे देना।
बहुत सुंदर है। अच्छा बहुत सुंदर धन्यवाद ब्रदर। अच्छा भाव गाओ या फिर आप बताओ आगे वाले बता रहे हैं। एक एक भजन की फरमाइश है वो पहले गा देते हैं क्योंकि बहुत सारे कलाकार और भी हैं तो समय कमी है इसलिए वो भजन की फरमाइश है वो भजन में गा देती हूँ उसके बाद में भाव सुना देंगे अगर समय बचा तो। आइए चलिए जितनी देर है उतनी देर कोशिश करूंगी कि आपके भाव की फरमाइश भी मैं पूरी करूं।
इसलिए पानी